देखिए दोस्तों, मैं भी ऊपर आया हूँ। तो ये मेरा कबूतर एक बीमार है और इसने ये दाने जो उल्टी किए हुए हैं, ठीक है, इस वाले कबूतर ने। इसीलिए मैं आप दोस्तों से बोलता हूँ दोस्तों कि जब भी दरबे के अंदर आया करें तो अपने कबूतर जरूर चेक किया करें कि कोई कबूतर बीमार तो नहीं हो गया। और जैसे अभी ये कबूतर मैंने अभी देख लिया दोस्तों कि ये बीमार है, तो मैं भी इसको समय से दवाई दूंगा और ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तो अब इसको दवाई दे देता हूँ जरा मैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने विमरॉल है और ये ब्रूटॉन ली है। ये सीप्लॉक्स के टुकड़े हैं चार, ठीक है, सीप्लॉक्स 250 mg, और ये 10 ml पानी है जो मेरा कबूतर बीमार है उसको मैं दूंगा इसमें से। और ये समय से मैंने डाल दी 2, 3, 4, 5 बूंद, ठीक है दोस्तों। और 5 बूंद ये ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ले, जो भी कबूतर आपका बीमार है उसको दे दोस्तों, तुरंत आपके सामने उसका रिजल्ट होगा। इसको मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। कबूतर भी देख ले एक बार किस तरह से बैठा हुआ है फूल के, ये देख ले किस तरह से बैठा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं ये दवाई दे देता हूँ जरा, मैं अकेला हूँ, कोई है नहीं साथ में। ये दवाई मैंने इसमें मिक्स कर ली अच्छे से। बाकी जो ये फालतू दवाई है वापसी डाल दे, सिर्फ 5 ही बूंद लेनी है दोस्तों, ज़्यादा नहीं पिलानी, और एक ही टाइम देनी है शाम के टाइम। अभी इन्होंने दाना वाना खा चुके हैं कबूतर मेरे। 1/4 तो दूंगा मैं इसको सीप्लॉक्स और बाकी का 10 ml पिलाऊंगा ये पानी। ये मैंने सिरिंज भर ली है एक, ये देख ले दोस्तों, ये वो कबूतर है जो बीमार है। और इसको मैं ये देता हूँ सीप्लॉक्स, ये सीप्लॉक्स है 250 mg। दाना वाना इसने थोड़ा कम खाया है दोस्तों, बाकी का पोट इसकी ठीक है। अमल में नहीं, विमरोल और ब्रूटॉन का पानी दे दिया इसको। तो ये देख ले दोस्तों, इसको मैंने दवाई और पानी वो दे दिया है विमरोल और ब्रूटॉन का। तो अब इसको कल देखेंगे कल इसकी कैसी तबीयत रहेगी। तो दोस्तों, अपने कबूतरों पे अगर आप नज़र बना के रखोगे ना, तो इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि कबूतर अगर कोई बीमार होता है ना तो तुरंत नज़रों में आ जाता है। जैसे भी ये कबूतर बीमार हुआ था, इसने दाने पलटी करे है और बिल्कुल ठंडा भी हो रखा था दोस्तों, इसके पैर भी बिल्कुल ठंडे हो रखे थे, और इसके ऊपर से जो है ना, जहाँ से परों को फुला के बैठा है, ये भी पूरा सर्द हो रखे थे, पंख वंख सब जगह से ठंडा हो रखा था कबूतर पूरा। तो अभी कल मालूम पड़ेगी इसकी तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अब आपसे अपनी किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में।